अविनाश, इतनी पुरानी बात है, अब दोबारा करने का क्या फायदा है? देख रहे हो ना माँ की हालत क्या है। अम्मा को भी यही दर्द सताया हुआ है कि उन्होंने राघव के साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें भी इस बात का एहसास होना जरूरी है मोइना। हम सब ने राघव को अपनी कठपुतली बना के रखा है। पहली बार मैंने पश्मीना को उससे दूर किया और फिर माँ और तुमने पश्मीना को मुंबई छोड़ने पर मजबूर किया। मोइना, हम सब जानते हैं कि राघव हम सब के लिए क्या मायने रखता है, मगर अपने प्यार और हक में हमने कहीं उसके साथ ज्यादती की है। होगा वही जो तू चाहती है, जो तेरा फैसला है मेरे बच्चे। क्यों राघव, सही कह रही हूँ ना मैं? और राघव, तूने प्यार किया तो किससे किया? आयशा के सौतेली बहन से? ये ठीक नहीं है। माँ सही कह रही है, शादी तो तुम्हारी आयशा से होगी राघव। हम सब भूल गए कि राघव के लिए क्या मायने रखता है। और पश्मीना, पश्मीना जिससे तुम इतनी खफा हो, तुम जानती हो उसने क्या किया है? मंदिर जाके माँ के लिए प्रार्थना की है उसने। माँ के लिए ये लाइए, वो ये है पश्मीना, ये है उसका दिल, और अभी भी वो मंदिर में खड़ी है। राघव के लिए शंभू जी से जिद करके खड़ी है कि जब तक राघव की कोई खबर नहीं आ जाती तब तक वो वही। मोइना, ऐसा क्या किया है पश्मीना ने जो तुम्हारे दिल में सिर्फ उसके लिए नफरत ही है? राघव का एक्सीडेंट? कम ऑन मोइना, तुम इतनी समझदार हो, सारा ब्लेम पश्मीना पे कैसे? और फिर मोइना, जो कुछ भी उस वक्त हुआ उसमें पश्मीना की कोई गलती नहीं थी। राघव अब ठीक है, और ये मैं पश्मीना के पिता की हैसियत से नहीं, राघव के अंकल की हैसियत से कह रहा हूं। ठीक कह रहे हैं अभी अंकल। मॉम, आप अपने गुस्से में इतना खो गई कि आप अपने बेटे की खुशी से ही अनजान हो गई। आप ही कहा करती थी ना कि राघव की जिंदगी में सच्चा प्यार आना चाहिए, कि उसे हर कुछ बिजनेस की नजरों से नहीं देखना चाहिए, हर किसी को जिंदगी में सच्चा प्यार नसीब होना चाहिए। और जब आपके बेटे को सच्चा प्यार हुआ तो आपने क्या किया? आप उससे वही प्यार छीनने में लग गई। क्यों? क्योंकि वो आपकी कैलकुलेशन में नहीं बैठता था। आपने राघव को इतना हर्ट किया है ना मॉम, और उसे अपने से दूर कर लिया है। मोइना, मैं तुम्हें बुरा नहीं बना रहा, मेरी गलतियों की तो कोई सीमा ही नहीं रही, और शायद इसीलिए अपनी गलतियों से सीख कर तुमसे ये कह पा रहा हूं। गुरूर, गुमान, गुस्सा, सब एक तरफ और अपनों का प्यार एक तरफ। मोइना, रीवा, 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 दादी, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप कैसे हो? क्या क्या? मोइना, तुम्हारे और राघव के बीच की दूरी कहीं इतनी न बढ़ जाए कि तुम भी मेरी तरह सब कुछ खोके सबको ये सीख देती फिरो कि कैसे तुमने भी अपने अहम में आकर अपने बच्चे को खो दिया। नजर रख उस पे, मुझे हर एक मिनट की खबर चाहिए, समझा?
हे शंभू जी, प्लीज उनकी रक्षा करें। ये धागा आप दादी को बांध देना, शंभू जी का आशीर्वाद है, दादी जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं मौली, माँ को देख आया। किससे बात कर रहे हो पापा, बताओ ना क्या बात हुई आपकी? तू इतना नालायक लड़का है ना, जो काम करता है अधूरा करता है, और फिर तेरे बाप को आके तेरी गलतियों को सुधारना पड़ता है। अब आप प्लीज छोड़िए ना बात को, अब बताओ ना सस्पेंस क्यों डाल रहे हो? मैंने हॉस्पिटल में एक बंदा रखा है बिरजू, उसे वार्ड बॉय बना के मैंने राघव पर नजर रखने को बोला है। क्या राघव जिंदा है? ऑपरेशन के लिए ले गए हैं उसे, अभी तक तो जिंदा है, क्योंकि मेरे नालायक बेटे से एक भी काम ढंग का नहीं होता। अगर मारना ही है तो पूरा खत्म कर देता ना उसे। क्या हुआ प्रीतिमा, परेशान क्यों लग रही है? नहीं कुछ नहीं, न जाने पश्मीना यहाँ इतना परेशान क्यों घूम रही है। एक अनजान आदमी के लिए खुद को परेशान कर मैं ये नहीं होने दे सकती, मुझे उसे यहाँ से निकालना ही होगा। ऋषि जरा मेरे साथ आ। होश आए, ऋषि तुम्हें घर ले जा रहा है। तुम्हारी शादी है और तुम यहां इस सबके बीच फंसी हुई हो। तुम दोनों ने एक भला काम किया है, एक आदमी की जान बचाई, उसे यहां तक ले आए, अब बाकी सब भगवान पे छोड़ दो ना। मामा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं रहूंगी। जून डॉक्टर के पास हमारा नंबर है, अगर कुछ होगा वो फोन करके बता दें। ऋषि मैं उस आदमी को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकती, पता नहीं उसके साथ मेरा क्या नाता है पर अपनापन सा लगता है। उषा तुमने इतना सब कर लिया, अब और क्या करने की जरूरत है? जरूरत तो है, देखिए ना मेरी प्यारी सी जून को एकदम वो सरोजिनी नाइटिंगेल फ्लोरेंस, हाँ मतलब वही था, भावना को समझो। कोई किसी अपने के लिए इतना नहीं करता है जितना इसने एक अजनबी के लिए, और यही चीज मुझे पसंद आई थी इसमें। तो प्रीति मॉम, जून और मैं यहीं पे रुकेंगे, और अगर जून का उस अजनबी से कोई रिश्ता है तो डेफिनेटली मेरा भी होगा। वैसे मैं तुम्हें नून चाय पिलाता लेकिन हॉस्पिटल की चाय से काम चलाना पड़ेगा तो मैं लेके आता हूँ। गलत बात, जून से नाराजगी, मेरे सामने गलत बात। मोबाइल तो मिल गया पापा, लेकिन इसका पासवर्ड, उसका क्या करेंगे? बेटा मुझे बचपन में ही समझ जाना चाहिए था कि मेरे बेटे के दिमाग में भूसा पड़ा है। अब ये भी मैं ही बताऊं तो फिर तू क्या करेगा? बस पूरी वादियों में जाके टशन मारता घूमेगा, है ना? ट्राई करते हैं ना पापा। तो करना, कुछ तो कर ले। दे मुझे, मैं देखता हूं। लाइए मुझे दीजिए, मैं जानता हूं कि राघव कौर का
पासकोड क्या होगा? अगर तीसरी बार गलत नंबर लग गया ना तो फोन लॉक हो जाएगा। पापा, राघव एक जादूगर है जिसकी जान एक तोते में बसती है। उसकी वजह से ही वो कश्मीर आया था, उसकी वजह से वो यहां रहा, उसकी वजह से ही वो कश्मीर छोड़कर जा रहा था, उसकी वजह से ही वो जी रहा था और अब उसकी वजह से वो मरने जा रहा है। और उसका नाम है पश्मीना। पश्मीना का बर्थ डेट। शाबाश मेरा बेटा। अब नहीं बोलोगे नालायक बेटा? कभी कभी ना तेरे अंदर का दौरानी जाग जाता है। शाबाश बेटा, सही काम किया है तूने। एक मिनट, क्या हुआ? मैसेज। गॉड, क्या हुआ मोइना आंटी? आकब का मैसेज। हाय मॉम, सॉरी मैं अपने लोगों से नाराज होके बिना कॉल के चला गया। मैं कुछ देर ख्यालों के साथ अकेले रहना चाहता था। मैं ठीक तरह से पहुंच गया हूँ, बाद में कॉल करूंगा। सबको प्यार, राघव। ओके बेटा। पता पश्मीना, मैं भगवान से ना बस एक इशारा मांग रही थी, कोई फरिश्ता आ जाए, कुछ तो हो जाए कि मेरे राघव की कोई खबर आए, लेकिन तू मिल गई मुझे। तेरी दुआओं का असर है कि मेरा राघव सेफ है आज। नहीं मोइना आंटी, मैं तो नहीं। तुमने हमेशा हमारे परिवार के बारे में अच्छा ही सोचा है। थैंक यू। अच्छा, अंदर चलो, सबको बताते हैं कि राघव का मैसेज आ गया है। हाँ। राघव का कोई फोन आया? अरे आप खुद देख लीजिए, देखिए। शंभुनाथ के लाख लाख शुक्र, उसने तुझसे बात तो की। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि डरने की कोई बात नहीं है, आप ही एक्स्ट्रा ड्रामा करने लग गए। हाय मेरा बेटा, हाय मेरा राघव। मुझे लगता है ना आपको थोड़ा अटेंशन चाहिए था, सो मिल गया। नालायक बच्चा, क्या अपने बच्चों के लिए फिक्र करना भी हक नहीं बनता हमारा? अरे दादी, पर सबको पता था कि वो 16 घंटे की फ्लाइट पे है, तो थोड़ा चिल किया करो। हाँ तो उसने फोन भी नहीं किया तो टेंशन तो हो जाएगी। तो ना, हमारी फैमिली को थोड़ी स्पेस की जरूरत है। जब देखो एक दूसरे की जेब में घुसे रहते हैं। कभी किसी को सांस लेने के लिए ना वक्त और दूरी की भी जरूरत होती है, समझा करो। राघव पहुंच गया? चलो अच्छा है कि मैसेज तो आ गया उसका। कोई मैसेज आया क्या? हाँ, राघव कनाडा पहुंच गए। ये डब्बू के बच्चे ने बहुत तड़पाया, आंटी उसकी खबर लेना जब वो वापस आए। चलिए। पापा, मोइना का जवाब आ गया ना, मतलब कि उन्होंने यकीन कर लिया है कि ये राघव ही है। मतलब कि ये कि हमें और वक्त मिल गया है। उसके फोन से हम राघव बनके उनसे वक्त लेते रहेंगे और हमारा काम
अगर कॉल सब सचमुच कनाडा, तो फिर ये अजनबी? मेरा मन क्यों कह रहा है कि ये अजनबी जाना पहचाना है? हेलो, वो जहर वाला इंजेक्शन मैंने उसकी आईवी में डाल दिया है, अब वो नहीं बचेगा। भगवान, कहीं जहर शरीर तक ना चला गया हो। मुझे कॉल साहब को यहां से निकालना होगा, उनकी जान खतरे में है। मैं क्या करूं? मैं क्या? कहां गई पोषा है? अब तक नहीं आई। प्रीति मैम, आपने कुछ खाया नहीं है, प्लीज आप चल के खा लीजिए। हाँ नहीं, चलो अंदर जाके चेक करते। नर्स ने कहा था कि उसे वार्ड में ले आएंगे, कोशा शायद वही हो। चलिए। मैं इन्हें कहाँ लेकर जाऊं? अगर वो वार्ड बॉय वापस आ गया, कोई इन्हें देख ना ले। नर्सी तो कहा था वो यहीं पे होंगे। उषा कहाँ है? कहीं वो आईसीयू में तो नहीं? उस नहीं नहीं, मैं वार्ड में शिफ्ट कर दिया। तुम कहाँ हो उषा? मामा, मेरी धड़कन उसकी सांसों के साथ रुक गई है। उन्होंने मेरा हाथ थामा, मुझे पहचाना मामा। राघव ये मुझे पता है। तुम पागल मत बनो और कहो मुझसे कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी पश्मीना। पता नहीं कहाँ गायब हो गया। मैंने तो पूरा का पूरा 20 ml का पॉइजन का इंजेक्शन उसकी आईवी में डाला था। अभी तक तो मर गया होगा, पर पता नहीं गायब है। तुम्हें वहां से निकलने की जल्दी क्या थी? इस बात के पैसे दिए तुझे मैंने? सर, मैं अब ममिया कह रहा है? तू तो बड़ी डिंगे मार रहा था ना कि तू उसे छोड़ेगा नहीं। तू एक बात याद रख ले, अगर वो जिंदा बच गया ना तो तू अपने परिवार को बाय बाय कह देना, क्योंकि मुझे किसी ना किसी की लाश तो चाहिए। राघव कौल की नहीं तो तेरी सही। कैसे हो गया? ये राघव भाग कैसे गया? मैंने तो उसे अधमरा छोड़ा था और बिरजू ने भी जहर दे दिया था। ये शंभू बाबा इस बंदे पे इतनी कृपा क्यों दिखा रहे हैं? अब तो आप भी नहीं बचा नहीं पाएंगे मुझे। पापा, पापा मुझे जेल नहीं जाना। पापा मुझे जेल नहीं जाना। पापा प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो। पापा मुझे जेल नहीं जाना। आप समझ रहे हैं ना पापा, मुझे जेल नहीं जाना। प्लीज कुछ करो। चुप रह, दिमाग नहीं चलता तो मुंह बंद रख। बलवंत, मुझे कुछ बंदे चाहिए, अच्छे घर के लगने चाहिए, भोले चेहरे होने चाहिए। Excuse me, एक मिनट। Yes, sir. वो पेशेंट अभी तक इस बेड पे ट्रांसफर क्यों नहीं हुआ है? उसने बोला तो था कि
कि वो पेशेंट को इसी बेड पे ला रहा है। एक मिनट, उसने किसने, वो कौन था? वो भी वार्ड बॉय ही है। एक्सक्यूज मी, तुमने मुझे कैसे पहचाना पश्मीना? जी सिंह, पता नहीं क्यों उनसे अपनापन सा लगा मुझे। तुम कह रही हो तो कुछ हो गई। उसके जेब से मुझे एक पत्ता मिला, चिनार, चिनार का। उस पत्ते पे कुछ लिखा हुआ था या कुछ बना था? उसमें कुछ बना हुआ था। कौन सा? मुझे पता था ये आप ही हो। रुकना पड़ेगा क्या? कॉल सा, मुझे आपको किसी भी तरह यहां से निकालना पड़ेगा। अपना नंबर 5 गाड़ियों के बाद आएगा। वैसे उधर पुलिस ने पूरा बंदोबस्त किया है। कॉल साहब, कुछ पुलिस वाले इधर आ रहे हैं। प्लीज कोशिश कीजिए और थोड़ा उठ के बैठने की कोशिश कीजिए। प्लीज कॉल साहब। पुलिस एक अस्पताल से मरीज और नर्स को ढूंढ रही है। अगर हम उन्हें नहीं मिले तो प्रीति मैम, एक काम करते हैं, आईसीयू में चेक करके आते हैं। कुछ नहीं मिला वहां। सॉरी
ये राघव की दादी तो ठीक है ना? हाँ वो ठीक है, रीवा दी को उनके साथ बैठा के आए हैं। प्रीति चिंता मत करो, तुम्हें कहती हूँ ना हमेशा कि शंभुनाथ सब ठीक करेंगे, तो सब ठीक ही होगा, देखना बच्चे मिल जाएंगे, हाँ राघव भी मिल जाएगा और पश्मीना भी मिल जाएगी। एक काम करते हैं, वार्ड में चेक करके आते हैं। प्रीति मॉम, सलाम साहब। कौन है ये? साहब ये मेरी बहन का लड़का है। कमल क्यों ढके है? कमल हटाओ इसका। हटाओ इसको। हाँ साहब। इसको चोट कैसे लगा है? वे साहब वो क्या है ना कि ये गोल मार्केट में चौकीदारी का काम करता है और पता नहीं कौन आके इसके साथ मारपीट करके गया। वैसे तो साहब ये ड्यूटी पे था, अब देखो ना साहब बेचारे को कितनी चोट लगी है। ठीक है अपने भांजे को समझा के रखो। ए टिकट चेक करो। साहब कुछ नहीं है डिक्की में। ए, जाने दे उसको, निकलो। जी साहब सलाम। यहां तो हम पहले भी देख चुके हैं। ये एक मिनट, ये क्या है यहां पे? प्रीति आंटी। एक मिनट, पश्मीना आपको प्रीति आंटी क्यों कहेगी? ये कहीं किसी ने यहां प्लांट तो नहीं? क्या हुआ प्रीति? क्या हुआ, क्या लिखा है? पीछे देखो पीछे। शायद मौका नहीं मिला होगा। मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ ऋषि कि पश्मीना तुम्हें धोखा नहीं दे रही है। पश्मीना राघव की जिंदगी बचाना चाह रही है। मुझे तो लगता है शायद कोई और ही बात है।
It's obvious यार, तुम राघव की बहन हो, तुम चाहोगी वो दोनों एक साथ रहे. तुम मुझे क्यों फंसा रहे हो यार? जाने दो मुझे, बेला फुसला क्यों रहे हो? सच कहूं तो मैं चाहती हूं कि दोनों मिल जाएं और दोनों का प्यार सफल हो जाए. पर मैं ये भी जानती हूं ऋषि कि पश्मीना तुम्हें इतना बड़ा धोखा कभी नहीं दे सकती, और ना ही राघव. कहां हो यार तुम? सुनी नवाब बाबा. हाँ बेटा. अब नीम के पत्ते मिलेंगे? हाँ मिलेंगे. अभी लाया. ठीक है. सुनो, दर्द को दूर करने का उपाय, दर्द को खुशी खुशी कहो बाय बाय. बाप रे, काजू की कभी महसूस नहीं होने दे रही तुम. जल बेट सर. शुक्रिया ना. ठीक है. थक गया यार. पूरे कश्मीर में मैंने आपको अपने कंधों से खींचा और आप ही थक रहे हो. हाँ व्हीलचेयर पे था मैं. तो क्या मतलब, बाजों को कोई जोर नहीं लगता? व्हीलचेयर आसान होती है पुश करना, इतने हीरो मत बनो. एक तो मैं तुम्हारी मदद की और ऊपर से ऐसे बोल रहे हो. प्रीति, ये सब क्या सुन रही हो? मैं राघव का एक्सीडेंट हो गया. मेरा मन तो पहले से घबरा रहा था कि जरूर उसे कुछ हुआ है, पर तुम लोग सब नहीं मान रहे थे ना. और अब पश्मीना भाग गई राघव के साथ. चिट्ठी पश्मीना ने नहीं लिखी. आय हाय, एक ही हो गया भाई. हम ठहरे लड़की वाले, हम तो लड़की के ससुराल वालों को ही संभालने में लगे हुए थे. मैंने डॉली जी और मिंटी जी से कह दिया, आप ना इत्मीनान कर लो, खुद ही अस्पताल चलकर देख लो. हाँ नहीं तो ऋषि, इतना कुछ हो गया तूने हमें बताया तक नहीं, एक फोन भी ना किया तूने. दादी मैंने आपसे कहा था कि एक बंदा मिला था. एक बंदा, वो बंदा राघव है, ये तो नहीं बताया तूने. इतनी बड़ी बात छुपा गया? हम खुद नहीं जानते थे कि वो राघव है. जब तक पता चला तब तक राघव पश्मीना को लेकर भाग चुका था. हाँ या फिर ये कहें कि पश्मीना राघव को लेकर भाग गई. जी ऐसा कुछ. प्रीति जी मैं अपने बेटे से बात कर रही हूँ, जरा बात कर ले. तुम जानना चाहते हो ना कि मैंने आपको कैसे पहचाना कि आप ही हो वो. एक एहसास सा हुआ जैसे अंदर से कोई आवाज सी आई. सर्द राती हुई छाई चांदनी. आपको पहचानने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैं आपको सदियों से जानती हूँ. जब आपने मेरी गोदी पे सर रखा और मेरा हाथ थामा और उस पे कुछ बनाने की कोशिश की, तभी मैं जान गई कि आप ही हो. उठो कॉल साहब,
आपको हिम्मत नहीं हारनी है कौल साहब, सब आपकी हिम्मत की राह देखते होंगे। मोहिना माँ, दादी, रीवा दी, पापा, सबकी खातिर, मेरे खातिर भी। क्योंकि अगर आपकी सांस रुकी कौल साहब, तो मैं भी सांस नहीं ले पाऊंगी। वो किसी और को जानबूझ के दुख दे, ये मुमकिन ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकती ऐसा। मोहिना आंटी ठीक कह रही है, मुझे बस उन दोनों के लौटने की फिक्र है, वो दोनों ठीक हों और कुछ नहीं। स्ट्रेस मत ले, वो दोनों जहां पे भी होंगे वो दोनों ठीक होंगे। मेरा दिल बहुत ऊपर नीचे हो रहा है। राजू, तेरा दिल ऊपर नीचे हो रहा है, मतलब कुछ तो है जो तूने हमें नहीं बताया है। तेरी और जून की दोस्ती अलग है, लेकिन ये सब जो हो रहा है ना वो अलग है। कोई तो है जिसने वो चिट्ठी लिखी, कोई तो है जो ये पूरा का पूरा गेम प्लान कर रहा है। राजू देख, अगर तुझे पता है ना तो अभी टाइम है, अभी के अभी बता दो। मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सबसे रोमांटिक जगह पे ना हमारी पश्मीना अपने मंगेतर के साथ रहे। पर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि काजू, मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। कैलाश दौरानी से दुश्मनी करेगा तो डल के पानी में रह के मगर से बैर करेगा। पारस बेटा, हम दोनों मिलके इस राघव कोर की हस्ती मिटा देंगे। शायद नहीं, पक्का राघव से दुश्मनी निकालने वाला पारस दौरानी। पारस? हाँ, उस दिन संगीत वाले दिन भी उसने वो सब, या अल्लाह, मुझे पूरा यकीन है ये सब कुछ पारस ने ही किया है। उसने ही गुंडों को खरीदा है और अस्पताल में भी गुंडे उसने पश्मीना के पीछे भगाए थे। मुझे इस बार सचमुच लगता है कि उसी ने ये सब कुछ, मतलब तेरा कहने का मतलब है कि ये सब पारस ने किया है। यार, अगर उसने ये सब चिट्ठी विट्ठी लिखी है ना, तो मतलब वो कुछ बड़ा प्लान कर रहा है और राघव और पश्मीना की जिंदगी खतरे में है। एक तो कौल साहब, आप बहुत जिद्दी हो। मैं ना शोर हूं, उस पारस ने मुझे धक्का मारा था। मतलब आपने पारस को देखा? नहीं, देखा नहीं था उसे मैंने, लेकिन मुझे याद है कि मैं उसकी गाड़ी ने मुझे धक्का मारा था पीछे। पर हमें तो कुछ नहीं मिला और हमने कार का भी पता किया था। यहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा यार। अगर एक्सीडेंट हुआ था तो कार तो मिलती, पर यहाँ तो कुछ नहीं है। ये पारस की जीप है ना, उसकी गाड़ी के पास जानता हूँ मैं। पारस, वो सांप दरिंदा, उसी ने किया ये सब। हाँ, वो शायद मैंने हाउस बोट ओनर्स को कॉन्ट्रैक्ट वापस कर दिया ना, शायद इस बात का कुछ सच कर रहा है। ये है वो कॉन्ट्रैक्ट जो आप लोगों ने धोखे में आके कैलाश दौरानी के साथ साइन किए थे, देख लीजिए। पता है कौल साहब, अस्पताल में भी उसने आपको जहर दिलवाने की कोशिश की थी। यकीन नहीं आता कि पारस मेरा बचपन का दोस्त है, तो क्रिमिनल है, खूनी है, जबरदस्ती उसने मुझसे शादी करने की कोशिश की। और पंडित जी, मंत्र शुरू करो, करो शादी शुरू। और जब मैंने उसे मना किया तो उसने कितना गलत किया हमारे साथ। पारस ने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी जान, और तुमसे कहा कि पश्मीना, ये उसका प्लान था कि तुम अपना संगीत छोड़ के भाग के बिना किसी को बताए यहाँ आ जाओ। ये शंभुनाथ, ये पारस का असली चेहरा है। मैंने फिर भी माफी दे दी,
पर उसने एक के बाद एक, उसकी ये हरकत है ना माफी के लायक नहीं है, उसे फांसी होनी चाहिए। अपराधी है वो एक नंबर का। वो खतरे में घर से भाग जाने वाली खबर झूठी है। मामा, ये मेरा बेटा राघव कौन? और ये इनकी बेटी पश्मीना सूरी। उनके नाम के नकली साइन की हुई चिट्ठी हम तक पहुंची है। नकली चिट्ठी? वारस। वारस? इतना घटिया कैसे हो सकता है ये इंसान? अम्मा, I'm so sorry. मैं आप तक पहुंचना चाहती हूँ और आपको बताना चाहती हूँ कि मैं और कॉल सब बिल्कुल ठीक है। अगर पारस को खबर हो गई तो देख रहे हो कॉल साहब, हमारी माए जिन्होंने हमेशा एक दूसरे को नापसंद किया है, और देखो आज अपनी सारी नाराजगी हटा के हमारी माए बन के खड़ी है। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.